क्वेश्चन 29 विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं ऑप्शन ए की देखी अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए, ऑप्शन बी उनके अनुभव से संदर्भित होनी नहीं है, ऑप्शन सी हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती है, ऑप्शन डी अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं की में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। जब शिक्षक विषयों में अवधारणाओं पर निर्देश प्रदान करते हैं तो वे ऐसे छात्रों को पढ़ा रहे होते हैं जिन्हें पहले से ही विषय के बारे में कुछ पूर्व अनुदेश आत्मक ज्ञान होता है। यद्यपि छात्रों का यह ज्ञान त्रुटिपूर्ण तार्किक अवधारणा कहा जाता है, वैकल्पिक अवधारणाओं के माध्यम से शिक्षक यह पहचानता है कि बच्चे चिंतन करने में सक्षम हैं और उनकी सोच वयस्कों से अलग है। ये अवधारणाएं बच्चों की अधिगम की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक हैं। क्वेश्चन 30, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधता स्थापित करना, ऑप्शन बी कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, ऑप्शन सी अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, ऑप्शन डी संपत्तियों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय शिक्षक की इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि विषय वस्तु को ऐसे प्रस्तुत किया जाए जिसमें अवधारणाओं के विविध पहलुओं के मध्य संबंध स्थापित किया जा सके तथा कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करते हुए अवधारणाओं को गैर उदाहरण के साथ प्रस्तुत करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि शिक्षक को संपत्तियों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करने से बचना चाहिए।